मोटो G51 5G, ये मोटो का सबसे नया फोन है जिसमें हमें क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 480 प्लस प्रोसेसर देखने मिलता है। एंड ये नाम पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि अरे इस पे 400 सीरीज का चिपसेट क्यों है, 700 सीरीज का चिपसेट क्यों नहीं है। बट बेसिकली सीन ये है, पता नहीं क्वालकॉम क्या फूक के चिपसेट के नाम रखता है, पर ये जो स्नैपड्रैगन 480 प्लस है दैट इज एग्जैक्टली लाइक नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्नैपड्रैगन 732। बट एनीवेज, BGMI की टेस्टिंग हम आज करने वाले हैं एंड इन BGMI दिस फोन सपोर्ट स्मूथ सेटिंग्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो बेसिकली 40 FPS तक का सीन है यहाँ पे, FPS मीटर स्क्रीन पे है एंड आप देख सकते हो कि ये फोन 40 FPS हिट करता है। मैंने अलग अलग सिचुएशंस में इसे ट्राई किया था, सैनहॉक बूट कैंप में ट्राई किया, उसके अलावा इरेंगल में स्क्वाड मैचेस खेले एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट हियर। एंड इनफैक्ट सैनहॉक में भी जब मैंने बूट कैंप में ड्रॉप किया विच इज वेरी हैवी, FPS इसका 36-37 से नीचे नहीं गया विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे ओवरऑल गेम प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये चिपसेट केपेबल है एंड 400 सीरीज का है तो ऐसा नहीं है कि गेमिंग में एकदम बकवास परफॉर्म करता है। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो शायद इस फोन की दिक्कत है या आई डोंट नो क्या है, यहाँ पे वंस एवरी गेम एक रैंडम सा फ्रेम ड्रॉप आता था, मतलब सडनली 40 से FPS गिर के 25-26-27 हो जाता था एंड 5-6 सेकेंड वो वहाँ पे रहता था, सडनली उसके बाद वापस 40 पे एंड फिर ये ड्रॉप मुझे देखने नहीं मिलता था। बट हर एक गेम में एक बार ऐसा एक माइन्यूट 6-7 सेकेंड्स का डिप मुझे देखने मिला था। तो आई डोंट नो कि ये चिपसेट अभी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज नहीं है उसके कारण ही हुआ है या फिर मोटो के गेम ऑप्टिमाइज में गड़बड़ है, बट हाँ बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट थिंक ये 100% गेमिंग फोन है, ये एक इशू इनको सॉल्व करने की जरूरत है। अभी के लिए आप गेम प्ले देखिए बिकॉज यहाँ पे मैंने काफी सारे मैचेस खेले थे, उसके बाद आई विल गिव यू सम एंड कंक्लूसिव नोट्स अबाउट द फोन। 1800 मैं तो बोला मुझे टाइम मतलब अच्छा है ना, वो तो मस्त है। हां दादा ले लिया पुष्कर एक ही अंदर ले लागे पब्लिक वो ग्रंग का डांट से उड़ गया ऊपर। भाई मैं किसको लूँ, क्या खेला है अबे ये लोग पुश के रुक जा। ए यार
तो ओवरऑल जैसे आपने देखा 90% ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, बट वो जो 5-6 सेकंड का डिप आ जाता है ना, दैट आई थिंक इज नॉट ग्रेट। तो ऐसे BGMI के लिए स्पेसिफिकली आपको फोन लेना है तो मैं बोलूंगा कि बाकी फोन ये प्राइस सेगमेंट में उसको आप देखो, स्नैपड्रैगन 732 वाले फोन है। उसके अलावा MediaTek के Dimensity 800 810 वाले भी फोन है, वो Helio G95 या G98 क्या था वो भी है। तो मे बी दोज चिपसेट्स विल गिव यू अ मोर स्टेबल परफॉर्मेंस। 480 प्लस के शायद अगर और फोन आएंगे तो हम टेस्ट करके देखेंगे कि उनमें भी ये इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट इसमें तो डेफिनेटली आया। मैंने 3 दिन कंसिस्टेंटली ये फोन को टेस्ट किया BGMI के साथ, एंड एवरी वंस इन अ वाइल आई वॉज गेटिंग दोज FPS ड्रॉप्स। तो आप मुझे बताना अदरवाइज आपको इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा लगा। अगर मैं बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं, 20% इन 1 आवर वाइल गेमिंग एट फुल ब्राइटनेस। उसके अलावा टेम्परेचर्स यहाँ पे बॉम्बे में थोड़े गिर गए टेम्परेचर्स, अभी विंटर चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, एंड 38-39 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर देखा था मैंने, तो एज सच ओवरहीटिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोटरोला का इसमें आपको गेम लॉन्चर भी मिलता है, तो इसमें मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके ही टेस्टिंग की थी सारी, तो ऐसा नहीं था कि मैंने कोई भी मोड छोड़ दिया या फिर कुछ और नहीं किया उसके कारण लैग आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सो ओवरऑल द गेम प्ले वॉज डिसेंट। अगर ये जो FPS वाले डिप्स नहीं आते तो डेफिनेटली इसको मैं गेमिंग के लिए रेकमेंड करता, बट फॉर नाउ मोटो यू नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो आप मुझे बताना कि क्या आप इसे गेमिंग के लिए कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। अभी के लिए इसका जो कंपेटिटर है Redmi Note 11T 5G, अब मैं उसकी BGMI टेस्टिंग करने वाला हूं तो नेक्स्ट 3-4 दिन में उसका भी रिव्यू आ जाएगा। तो अभी के लिए दैट इज ऑल आई हैव टू से अबाउट मोटो G51 BGMI। आप मुझे बताना योर थॉट्स ऑन दिस फोन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा दो बार डिसलाइक कर लेना। थैंक यू, स्टे सेफ, एंड मैं आपके नोटिफिकेशंस में जल्दी वापस आऊंगा। बाय।